बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? मैं हूं शहबाज़ अहमद, उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं फैसलाबाद में कासिम भाई के पास। इनका माशाल्लाह शौक़ बहुत बड़ा शौक़ है। इन्होंने पैरट्स भी रखे हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के पैरट्स रखे हैं, और इनका साथ में पिजन्स का भी शौक़ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बर्ड्स हैं इनके पास। इनके पैरट्स भी आपको दिखाएँगे, इनके आपको पिजन्स भी दिखाएंगे, इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि इन्होंने कब से ये शौक़ स्टार्ट किया है और ये माशाल्लाह मतलब इनको कैसे ये शौक़ पैदा हुआ है कि जी इन्होंने पैरट्स भी रखे हैं और साथ साथ पिजन्स भी रखे हैं। तो अभी ये कासिम भाई के साथ कुछ बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद आपको इंशाल्लाह इनके बर्ड्स भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कासिम जी। वालेकुम सलाम शहबाज़ भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें अपना एक टाइम थोड़ा सा निकाल के तो हमें आने का मौका दिया। कोई मसला नहीं शहबाज़ भाई, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आपके व्यूवर्स को जो आपको माशाल्लाह लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। आमीन। और ये रबी अव्वल का महीना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हो, उनकी बरकत से आज हम सब इधर माशाल्लाह मुसलमान होने के नाते हम इकट्ठे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है स्टार्ट पे ही कासिम भाई ने, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। जी अल्लाह आपको भी रखे। आमीन। कासिम भाई, मैं कुछ बातचीत आपसे मतलब कुछ क्वेश्चन करूँगा ये शौक़ के रिलेटेड, तो उसके बाद फिर अपने व्यूअर्स को, अपने दोस्तों को आपके बर्ड्स दिखाऊंगा। अच्छा कासिम भाई, आपने माशाल्लाह सेटअप बहुत, जैसे कि एक मैं तो यही कहूँगा कि चिड़ियाघर ही आपने अपनी छत पे बनाया हुआ है, तो पैरट्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब जाके अगर हम उधर बात करेंगे तो बात करने का हमें, मेरा नहीं ख्याल कि वो हमें बात करने देंगे, माशाल्लाह जितना उधर उन्होंने अपना शोर उनका है, जितने ज़्यादा बर्ड्स हैं। अच्छा कासिम भाई, आपने ये कब से स्टार्ट किया हुआ है ये शौक़? ये माशाल्लाह शौक़ तो माशाल्लाह हमें बचपन से था, तो अल्लाह ताला ने अब बस इस मौका दिया हमें। तो ये 3-4 साल पहले हमने ना वो ऑस्ट्रेलियन वगैरह से शुरू किया था, ऑस्ट्रेलियन लटिनो कोकटल वगैरह लव बर्ड में काफ़ी वैरायटी थी, तो उधर से शौक बढ़ता गया। तो हमने तो घर की खूबसूरती के लिए रखे थे, फिर अल्लाह ताला ने बरकत ऐसी दी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब रौनक लगी हुई है। जी अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए। जी अच्छा, आपने ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर आप कौन कौन सी ब्रीड अब आपने इधर रखी हुई है ऑस्ट्रेलियन के बाद? ऑस्ट्रेलियन के बाद हमने रखी हुई है सर जी सन कन्योर है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। तकरीबन और रा रखे हुए हैं। सही है, रा पैरट्स। सही है। उसके अलावा ग्रे पैरट्स रखे हैं माशाल्लाह। रिंग नेक में येलो रिंग नेक है, वाइट रिंग नेक है, ग्रीन रिंग नेक है माशाल्लाह। तो एलेक्टस भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड से स्टार्ट किया और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीड्स और जो एक्सपेंसिव ब्रीड्स हैं माशाल्लाह कासिम भाई ने वो छत पे रखी हुई हैं। तो कासिम भाई, आपने ये इनके साथ आपने पिजन्स भी रखे हुए हैं, तो ये आपको इकट्ठा ही शौक या मतलब किसी को देख के आपके दिल में शौक पैदा हुआ है कि जी पिजन्स भी साथ रखने हैं? नहीं, सबसे पहले तो पिजन ही रखे हुए थे, क्योंकि पिजन से, हाँ जी सही है, पिजन पहले वो हमने काफ़ी देर हो गई उधर, छोड़ देते थे रख लेते थे, छोड़ देते रख लेते, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब फैंसी वैरायटी रखी हुई है। सही है। पिजन में कौन कौन सी आपके पास ब्रीड पड़ी है? मेरे पास माशाल्लाह पड़े हैं फ्रिल बैक पड़े हैं, जैकोबिन पड़े हैं माशाल्लाह, मैगपाई गुब्बारे पड़े हैं रेड, सही है, और अमेरिकन, सही है, और ब्लैक टेल येलो टेल फैन टेल में है, सही है। तो उसके अलावा सेंटीनेट वगैरह ऐसे बस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अच्छा माशाल्लाह, जितना बड़ा आपका सेटअप है तो कासिम भाई, आप इनको जो मतलब पैरट्स को और फिर उसके बाद पिजन्स को कितना टाइम लगता है कि आप इनको जो दाना वगैरह करते हैं, तो कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा लग जाता है, हम तीन लोग करते हैं। अच्छा तीन लोग करते हैं, सही है। मैं यही सोच रहा था कि डेढ़ घंटे में एक बंदा जो है वो मुकम्मल अपने बर्ड्स को तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आपने अभी बताया कि तीन लोग हम करते हैं। बड़े भाई हैं माशाल्लाह और साथ ये बतीचा लग जाता है। सही है सही है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जी। अच्छा ये जो पैरट्स हैं इनको आप मतलब कौन सी खुराक जो है इनको क्या क्या देते हैं? खुराक में हम इनको देते हैं माशाल्लाह सॉफ्ट फूड देते हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। सही है सही है। वो आप सब दोस्त जिस भाई ने भी रखे हुए हैं तो वो लाजमी शुरू करवाएं, उससे एग फर्टाइल भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह पैरट्स भी आपके एक्टिव रहेंगे। सॉफ्ट फूड में आपको मैं दिखाता हूँ वो। सही है ठीक है सही है। अच्छा जी फ्रेंड्स, कासिम भाई का कहना है जिस दोस्त ने, जिस भाई ने भी मतलब पैरट्स रखे हैं तो वो अपने बर्ड्स को जो है वो सॉफ्ट फूड जो है वो लाजमी यूज़ करवाएं, उसके साथ आपके बर्ड्स को फ़ायदा होगा, फर्टिलिटी में भी फ़ायदा होगा
तो बर्ड्स भी आपके हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो कासिम भाई, इनको कोई मेडिसिन वगैरह भी, वैक्सीन भी करते हैं आप? मेडिसिन नहीं, मेडिसिन से बेहतर जो है ना, इनको आप फल वगैरह दें। सही है, सही है। हम ये मौसम जो है ना छली का है, सही है, तो इसे जितनी ज़्यादा छली देंगे और ये मतलब फल फ्रूट देंगे, सही हो आपको गया। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपके बर्ड्स एक्टिव रहेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोई किसी चीज़ की। सही है, सही है। अच्छा कासिम भाई, एक मेरा छोटा सा ये क्वेश्चन है कि कोई दोस्त जो है ये वीडियो देख के कोई शौक स्टार्ट करना चाहे, तो आप कोई मशवरा दें कि वो कहाँ से स्टार्ट करें? अगर पैरट्स ही रखना चाह रहा है तो वो कौन से मतलब पैरट्स रखे सबसे पहले? जी, सबसे पहले तो स्टेलियन से शुरू करें। स्टेलियन हो गए, लवबर्ड हो गए, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। सही है, अल्लाह मतलब छोटी आइटम से इंसान मतलब नीचे से ऊपर जाता है ना। अच्छा, आपका कहना है कि मतलब छोटी ब्रीड रखे, ऑस्ट्रेलियन लव बर्ड रखे, उनको कुछ समझे मतलब अपना एक्सपीरियंस जब हो जाए, तब जी, फिर जी, उसके बाद आप जो मर्जी वैरायटी रख लें। सही हो गया, सही हो गया। तो कासिम भाई, आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है ये। मैं एक और चीज़ है कि अगर आप ये ब्रीड सेल करते हैं, ब्रीड सेल कैसे करते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप्स में सेल करते हैं या फेसबुक पे कोई ऐड लगाते हैं? ये कैसे मतलब दोस्त आपसे अगर रब्ता करना चाहें कि आपसे परचेज करने हैं पैरेट्स? वैसे व्हाट्सएप पे भी करता हूँ, बाकी माशाल्लाह वाकफियत अब इतनी हो गई है कि लोग खुद ही आ जाते हैं, यार जी मुझे ये बच्चे चाहिए, सनकनोर के चाहिए, रा के चाहिए। सही है, तो ऐसे ही सेल हो जाते हैं माशाल्लाह। सही हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर कासिम भाई के साथ किसी ने रब्ता करना हो, ये उनका नंबर चल रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको, अगर आप कोई शौक स्टार्ट करना चाह रहे हैं बर्ड्स के रिलेटेड, कोई मालूमात लेना चाह रहे हैं पैरट्स के रिलेटेड, तो इंशाल्लाह वो आपको मालूमात भी देंगे, बेहतर गाइड करेंगे। तो बर्ड्स आप परचेज़ करना चाह रहे हों तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ये तावन करेंगे। अच्छा, तो जी एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये सब दोस्तों को कहना चाहता हूँ अशबाज भाई, कि जिसके पास जो जो टोटका है, वो बीमारी के रिलेटिव हो या ब्रीड के रिलेटिव हो, वो दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। सही है, क्योंकि ये बेजुबान है। सही है, अल्लाह ताला पता नहीं कौन सी बात पे राजी हो जाता है इंसान से। सही है, तो किसी का बर्ड चले आपकी वजह से ठीक हो जाएगा तो अल्लाह ताला कितना खुश होगा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमने एक इंसान की जान बचाई, गोया ऐसा है कि पूरी इंसानियत की जान बचाई। ऐसे ही परिंदों में है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है। दोस्त जिस भाई के पास कोई भी मतलब है, इसका नुस्खा है बर्ड्स के रिलेटेड, कोई बीमारी के रिलेटेड, के मतलब ये इसकी मेडिसिन है, देसी नुस्खा है, कोई जो भी है, तो वो लाजमी शेयर करना चाहिए। अगर किसी को फ़ायदा होता है आपकी वजह से, तो वो आपके तरफ से ये वो सदका जारिया है। बेशक, तो कासिम भाई की बात बहुत अच्छी है। अच्छा कासिम भाई, ये जो पिजन्स हैं, पिजन्स को दाना मतलब आप एक ही टाइम में उनको जो दाना देते हैं पिजन्स को, वो क्या चीज़ है उसमें? मतलब कौन कौन सी चीज़ आ जाती है? पैरट्स को तो आपने बता दिया कि सॉफ्ट फूड है। हाँ जी, पहले पैरट्स में माशाल्लाह हम अपना स्पेशल दाना तैयार करवाते हैं, क्योंकि बड़ी आइटम है सारी जी। तो बड़े बर्ड्स हैं माशाल्लाह जी जी। तो हम उसमें बाजरा, तो सूरजमुखी सही है, और कंगनी सही है, और उसके अलावा खुरदम सही है, सही है, जो भी ये सारा मिक्स करवा के ना, हम बाजरा वगैरह ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि अब मौसम जो है ना चेंज हो रहा है, तो इसके हिसाब से बाजरा वगैरह और सूरजमुखी ऐसी गर्म चीज़ें जो भी है ना उनको देनी पड़ती हैं। तो उसके अलावा आप माशाल्लाह सब भाई है ना, सुबह को अंडा ब्रेड लाजमी दें। सही है, पैरट्स को, पैरट्स को सही है। तो मैं शहबाज भाई को वो भी वीडियो इंशाल्लाह बना के दूंगा कि सब दोस्त है ना, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है बच्चों की भी, और अब परिंदे भी एक्टिव रहते हैं। जी जी फ्रेंड्स, कासिम भाई से बात की है, बहुत मज़ा आया है माशाल्लाह। इन्होंने बात बहुत अच्छी बातें की हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा भी अगर मौका मिले तो इन कासिम भाई के साथ आपकी भी बातचीत करवाएंगे, इनसे कुछ बात करेंगे, आके इनका दोबारा सेटअप देखेंगे, जो इन्होंने मजीद अगर कोई एंट्री होगी इनके पास न्यू ब्रीड की, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो कासिम भाई, हम इंशाल्लाह कासिम भाई के अब बर्ड्स जाके देखेंगे, तो इनसे पूछेंगे कि ये मतलब किस किस ब्रीड के क्या क्या रेट्स हैं, अगर वो कोई दोस्त आपसे लेना चाहे तो, मतलब सनकनोर के चिक्स जो हैं वो कितने में सेल करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको सारा बताएंगे। तो अभी चलते हैं आपको, तो बर्ड्स दिखाते हैं। जी कासिम भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? शबाज भाई, वो आपको मैंने दिखाना था कि सॉफ्ट फूड में जी, सॉफ्ट फूड भी दिखाएंगे इंशाल्लाह फ्रेंड्स को।
ताकि ये लाजमी शुरू करवाएं, क्योंकि अब ब्रीड का मौसम है, ब्रीड स्टार्ट होने वाला है। सही है, तो कुछ लोगों के पास ब्रीड शुरू भी हो गई है माशाल्लाह, तो काफ़ी जो फैंसियर न्यू फैंसियर उनको नहीं पता। सही है, ना मालूम है ना हमें पता था, हमें भी ऐसे ही कुछ अच्छे दोस्त से बात भाई जैसे मिले हैं माशाल्लाह, जिनकी वीडियो देख देख के हम भी माशाल्लाह काफ़ी कुछ सीख गए हैं। सही है जी, इंशाल्लाह कासिम भाई के पास जो सॉफ्ट फूड है फ्रेंड्स वो भी आपको दिखाते हैं। तो मज़ीद इसके अलावा आपको कोई मालूमात लेनी हो तो ये नंबर आपके पास चल रहा है कासिम भाई का, तो आप इनसे डायरेक्ट कॉल करके इनसे बातचीत कर सकते हैं, इनसे मालूमात ले सकते हैं अपने पैरट्स के रिलेटेड, और पिजन्स के रिलेटेड भी आपको इंशाल्लाह बेहतर मालूमात, आपको बेहतर गाइड करेंगे। तो अभी चलते हैं आपको कासिम भाई के बर्ड्स दिखाते हैं। अच्छा कासिम भाई, ये कौन सी ब्रीड है? ये माशाल्लाह सनकनोर है। अच्छा ये सनकनोर ब्रीड है। अच्छा ये मतलब कौन सी जगह से आपने ये परचेज किए हैं, आपको ये कैसे पसंद आए हैं? ये इनकी माशाल्लाह ब्यूटी बहुत देखी ना, वो फुल मस्ती हुई है। जी 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 सही है। अच्छा इसके चीक्स जो है वो आप कितने में सेल कर देते हैं, मतलब कितने में सेल होते हैं मार्केट के हिसाब से? मार्केट के हिसाब से अब देखते हैं क्या रेट निकलता है, जो रेट निकलता है उसी हिसाब से सेल करेंगे। अच्छा कासिम भाई ये कौन सा है जी? ये माशाल्लाह कश्मीरी रहा है। कश्मीरी रहा है, सही है। अच्छा ये वाले जो है ये इसके चीक्स आप मतलब कितने में सेल करते हैं, कोई अंदाज़ा? इसका मैक्सिमम जो चिक्स है ना 10,500 सही है, मतलब मार्केट में अप डाउन होता रहता है इसका भी। इसका अप डाउन होता रहता है। सही है जी। जबर कासिम भाई ये कौन सा है जी? ये माशाल्लाह शबाज भाई ये अफ्रीकन ग्रे पैरेट है। सही है, इसे कांगो बोलते हैं। कांगो कांगो मतलब इसका साइज बड़ा होता है। सही है, जबरदस्त कांगो है। इसमें एक टिमी होता है, वो छोटा साइज होता है। सही है, ये माशाल्लाह आप इनकी साइज चेक करें जी। जबरदस्त है जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है जी। कासिम भाई ये कौन सा है जी? ये माशाल्लाह व्हाइट रिंग नेक है, व्हाइट पेपर भी कहते हैं। व्हाइट रिंग नेक ही है, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर भी कहते हैं इसे, व्हाइट रिंग नेक है ये। सही है, तो इसके जो चिक्स हैं? हाँ जी, इसके चिक्स सुभाष भाई तकरीबन 17,000 रुपये का सेल हो जाता है बच्चे, 16-17 मुख्तलिफ रेट है इसका भी, अब देखते हैं क्या। एक चिक्स की बात, एक चिक की बात, एक चिक जो है वो 17-18 इधर तक। हाँ जी ठीक है जी। कासिम भाई ये कौन सी है जी? ये माशाल्लाह शबाज भाई अभी न्यू ली है, ये येलो रिंग नेक है। येलो रिंग नेक, सही है। अभी मतलब आपने न्यू इसकी एंट्री हुई है आपके लोग। तो बॉक्स भी नहीं लगाया शबाज भाई, अभी देखते हैं अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। जबरदस्त है जी शबाज भाई, ये ग्रीन रिंग नेक है। ग्रीन रिंग नेक, सही है। तो माशाल्लाह अच्छी ब्रीड आ रही है मेरे पास, ये 5 सेल लगे हैं माशाल्लाह, तकरीबन 4,000-4,500 सेल हो जाता है एक पीस। हाँ जी एक पीस, सही है। ज़बरदस्त क्वालिटी है जी, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह।